हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आरएनआर जॉब्स प्रिपरेशन में आपका वेलकम है। कंप्यूटर एमसीक्यूज की सीरीज नंबर ये 2 है और इसमें 50 एमसीक्यूज शामिल किए गए हैं। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो पहला सवाल है, इन अ मोस्ट ऑफ द आईबीएम पीसीज द सीपीयू द डिवाइस ड्राइवर्स मेमोरी एक्सपेंशन पोर्ट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड। व्हाट इज नेम ऑफ द बोर्ड? इस बोर्ड का नाम क्या है? इस बोर्ड का नाम मदरबोर्ड है। और उस टेक्निक कौन सी, ये टेक्निक है, टेक्निक यूज्ड बाय कोर्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। इस स्ट्रीम को क्या कहते हैं, या इस टेक्निक का नाम बताएं। पॉल्स कोड मॉड्यूलेशन इसका कहा जाता है। ये इंतहाई अहम सवालात हैं, ज़रूर जहन नशीन कर लीजिएगा और इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। इसमें इंतहाई अहम सवालात शामिल किए गए हैं। रिगार्डिंग आ वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट? इट इज अ पैराफेरल डिवाइसेस जो हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज अ मैकेनिक दैट इज मीट फॉर। अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट इज मीट। ये मशीन जो है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो मशीन है, इसमें इनपुट स्टोरेज मनोपोलिशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा शामिल होता है इस मशीन में। और व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? वैक्यूम ट्यूब कब ईजाद हुई? 1906 में ईजाद हुई, जब 1906 में मुस्लिम लीग भी बनाई गई थी। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये अभी जो पोस्टें आई हुई हैं पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की, उसका जो कंप्यूटर पोर्शन है, तकरीबन हर जो कंपिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें कंप्यूटर्स एमसीक्यूज़ शामिल होते हैं, उनके लिए भी ये इंतहाई अहम वीडियो है। जॉन एमर्सन फिल्मिंग इनका नाम था, जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब इजाद की थी। कंप्यूटर विद 80286 मैक्रो प्रोसेसर इज एटीएम 80 80 कंप्यूटर जो हैं इनमें ये शामिल होती हैं। 80286 अ डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरली इन, ये यूएसए में डेवलप किए जाते हैं। यूएसए की जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो न्यूयॉर्क है। डोनाल्ड ट्रंप जो सदर हैं वो 45वें सदर हैं और ये 20 जनवरी 2017 में इन्होंने आए थे। और जो अभी जॉन बाइडन है, ये नवंबर 3, 2020 में इलेक्ट हुए हैं और इन्होंने 20 जनवरी 2021 में ऑफिस का हलफ उठाएंगे। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? इनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन। ये जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं उनमें कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं। द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सिक्वेंस इज कॉल्ड शॉर्टिंग कहते हैं। जो तरतीब दी जाती है डाटा को लॉजिकली सिक्वेंस में, इसे शॉर्टिंग कहा जाता है। वट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर टू कंपेयर नंबर्स? लॉजिकल ये इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एबिकस वाज द फर्स्ट, ये मशीन थी कैलकुलेट करने की, इसे एबकस बोलते हैं। फर्स्ट, इफ इन अ कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेसेस इन अ रैम द नंबर ऑफ एड्रेसेस विल बी 65536। ये हैं, 6 बिट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेसेस इन रैम द नंबर ऑफ एड्रेसेस विल बी 65536 बनते हैं। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय बाई बाइनरी कोड्स में जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। ये सवाल काफ़ी मरतबा पूछा गया है और ये इंतहाई अहम सवाल आते हैं। द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शंस एज ए कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड ओ सी आर रीडर इज द पी ओ एस ओ टर्मिनल। अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, पी ओ एस ओ टर्मिनल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस कार्ड पेमेंट्स एट रिटेलर लोकेशंस। जो रोटेशन आप खरीदो, किसी स्टोर में खरीदो फरोख्त करते हैं और उसकी जो पेमेंट्स है वो आप कार्ड्स के जरिए जब अदा करते हैं, तो वो जो डिवाइस है उसका नाम है पी ओ एस ओ टर्मिनल।
अ सेट ऑफ फ्लिप्स फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, इसे रजिस्टर कहते हैं, विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, इसे सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। और सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? आर मटीरियल्स विच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वाज IBM 1401। 1401 जो है ये IBM ने ईजाद किया था अक्टूबर 5, 1969 में। और ये कंप्यूटर जो है ये सबसे बड़ा, इसका साइज़ बहुत बड़ा था और इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता था वो पिंच कार्ड के जरिए स्टोर किया जाता था। मिनोमोनिक अ मेमोरी ट्रैक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। अ रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड टू अलाउ टू मूव लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड, इस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? शिफ्ट रजिस्टर कहा जाता है। विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? IBM 650 बहुत ही मशहूर हुआ था फर्स्ट जनरेशन का मॉडल। अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंड द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेसर इज प्रोसेसर डिस्क्रिप्शन जो इसे कहा जाता है। ईच सेट ऑफ नेपियर्स बोन्स कंसिस्ट ऑफ रूट्स, इसमें 11 रूट जो हैं शामिल हैं, यानी कि 11 रूट्स इसमें शामिल हैं। BCD स्टैंड फॉर, ये काफ़ी मरतबा पूछा गया है, बाइनरी कोडेड डिसिमल। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, इसमें इंतहाई अहम सवालात शामिल किए गए हैं। वेन वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एंड बाई होम, जो फर्स्ट टाइम मार्केट में लैपटॉप कब दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया था? 1981 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डिवेल्प्ड, किस जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी जो विंडोज़ सिस्टम है ये कब मुतारफ़ करवाया गया था? ये थर्ड जनरेशन में आया था। ये भी इंतहाई अहम सवालात हैं, ज़रूर आप वीडियो मुकम्मल देखें, इसमें इंतहाई अहम सवालात शामिल किए गए हैं। द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट अ मैक्रो कंप्यूटर एज अ पर्सनल कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये भी सवाल काफ़ी मरतबा पूछा गया। इसे रेडियो शॉक कहा जाता है, रेडियो शॉक। हाउ मैनी एड्रेसेज लैंस आर नीडेड टू एड्रेसेज ईच मशीन लोकेशन इन अ 2048 मल्टीप्लाई 4 मेमोरी चिप, इसमें भी 11 शामिल है। प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड, इसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। जॉन निपर्स इन्वाइटेड लोगार्थम इन, कब जॉन निपर ने लोगार्थम को ईजाद किया था? 1614 में इसे इसने ईजाद किया था। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स इज फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी सिलिकॉन चिप, ये भी इंतहाई अहम सवाल है कि एन इंटीग्रेटेड सर्किट, एन इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स है इसे फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी सिलिकॉन चिप कहा जाता है। व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल पेन्स आर नीडेड इन अ मैक्रो प्रोसेसर टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन द बस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टू डिवाइसेस फ्रॉम ट्राई टू यूज इट एट द सेम टाइम, बस आर्बिट्रेशन कहा जाता है। इस तरह के सवाल कम पूछने के चांस होते हैं, फिर भी आपने ज़रूर इसे एक नज़र देख लेना है। वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज स्टेशनरी से कहा जाता है। और मैंने ASI और पंजाब पुलिस के जूनियर क्लर्क में जो PPS के थ्रू वैकेंसी आई हुई हैं उनकी तैयारी करवाने के लिए मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक ट्रम्प इसे कहा जाता है। मल्टी यूजर सिस्टम्स प्रोवाइडेड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सर्वर, डंप टर्मिनल्स इसे भी बोला जाता है, डंप टर्मिनल्स। द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएट विद चेंजिंग द अपीयरेंसेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। जब हम जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसे टास्क की प्रोसेसिंग अमल में अरेंज करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, उसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। व्हेन वाज पास्कल इनवाइटेड, पास्कल कब इनवाइटेड हुआ था? 1642 में।
What is required when more than one person use a control computer at the same time? टर्मिनल इसे बोला जाता है। ये भी इंतहाई अहम सवालात है, इसे भी ज़रूर एक नज़र देख लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है कि द टर्म गीगाबाइट रेफर टू, गीगाबाइट किसे रेफर जो है किसे रेफर किया जाता है? इसमें 1024 मेगाबाइट्स होते हैं, गीगाबाइट्स में, 1 गीगाबाइट्स में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। इन विच ईयर वाज यूके प्रेमर कंप्यूटिंग इवेंट स्टार्टर, 1980 में शुरू हुआ था। व्हाट इज द डेट व्हेन बिबाज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन, 1837। ये भी इंतहाई अहम सवाल आते हैं, इसे भी ज़रूर याद कीजिएगा। इस तरह के सवाल आते रहते हैं, ख़ास तौर पर PPS में, NTS में इस तरह के सवाल आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर व्हेन जापान स्टार्टर FGCS, पैरल प्रोसेसिंग इसे कहा जाता है। व्हेन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मीडियम इज नॉट यूज एज मेन मेमोरी सिस्टम, मैग्नेटिक टेप, कंप्यूटर ऑपरेटर्स के है किसे कहा जाता है? ऑपरेट द डिवाइस विच इनपुट एंड आउटपुट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर का। ये भी सवाल काफ़ी मरतबा इस तरह के सवाल NTS में ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज इसमें शामिल होती हैं। वेन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर डिवेल्प्ड, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर जो है कब डिवेल्प किया गया था? ये 1944 में डिवेल्प किया गया था। ये PPS में काफ़ी मरतबा सवाल आया है। एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल पल्स, द बायोज इज द एब्रीवेशन ऑफ, ये इंतहाई अहम MCQs है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये NTS में काफ़ी मरतबा सवाल पूछा गया है, और कंप्यूटर में भी इसको काफ़ी इंटरव्यू जो होते हैं उसमें भी ये बायोज का जो अब्रीवेशन है उसके पूछ लेते हैं, बेसिक इनपुट सिस्टम। मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स कहा जाता है इन्हें। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, ये डॉट जो डॉट पर स्क्वेयर इंच होते हैं इसके ज़रिए हम जो प्रिंटर होते हैं उसकी क्वालिटी को मेजर किया जा सकता है।